जी। अब यहाँ से ज्वाइंट इसको जहाँ से काटते हैं उसमें मूवमेंट आती है जो कि उसमें पेशेंट को आसानी चाली में आसानी हो जाती है। एक ओवन है, इसमें क्या होता है? इसके अंदर हम जितना जो पॉलीप्रोपिलीन की शीट्स डालते हैं उसको हम टू सर्टेन टेम्परेचर, जैसे आप देख रहे हैं नीचे टेम्परेचर 192 मीटर लगा हुआ, 192 आपको 200 डिग्री। ओके, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी, कल एक शुमारा इसका हमने आप तक पहुंचा दिया था। एक बहुत बड़ा इदारा है, रजाकाराना तंजीम के तौर पर काम करता आया है 1970 से। पहले शुमारे में हमने आपको दिखाया था कि जो फिजियोथेरेपी है वो यहाँ पर किस तरह से देते हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं और जो पेशेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर बाकायदा देख रेख में भी रखा जाता है, उनकी बाकायदा निगरानी भी होती है। आज जो दूसरा शुमारा है, दूसरे शुमारे में हम आपको दिखाएंगे कि अल्लाह ताला बचाया, जब कभी हम देखते हैं कि किसी एक शख्स की टांग नहीं होती, जिस्म का कोई एक हिस्सा नाकारा होता है, तो किस तरह से जिस्म के वो अज़ा यहाँ पर ही बनाते हैं ये प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक डिपार्टमेंट में। हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से काम अंजाम दिया जाता है प्रोस्थेटिक और ऑर्थेटिक डिपार्टमेंट में। ये प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक यूनिट है VMS का। अभी यहाँ इस सेक्शन में हम चाहे किसी को अगर आर्टिफिशियल लिम्ब बनानी हो, अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, अगर खुदा न खास्ता किसी को किसी भी हादसे की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से एम्पुटेशन हुई है तो उसको हम यहाँ पे वो लिम्ब कस्टमाइज बना के देते हैं। और साथ में हम यहाँ पे स्प्लिंट्स या ब्रेसिस, स्प्लिंट्स अगर किसी को सपोज फुट ड्रॉप है या किसी को हैंड में टाइटनेस है या किसी को नर्व इंजरी हुई है तो, या किसी को फ्रैक्चर ब्रेस बनानी है या किसी को आपने देखा होगा किसी का स्पाइन कर्व हो जाता है, स्कोलियोसिस जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें हम चाहे स्प्लिंट बनाना हो या ब्रेस बनाना हो तो वो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। ये कस्टमाइज जैसे जिसकी जिस हिसाब से नीड है उस बेसिस पे यहाँ पे हम वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस से चला जाता है। जैसे हम असेसमेंट लेके वो जो POP मोल्ड बनता है, POP मोल्ड यहाँ की ओर आ जाता है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये मोल्ड यहाँ की ओर आ जाता है और यहाँ से होके ये इसमें फिर हम थोड़ा सा फाइन शेप देते हैं, वो हम आगे की ओर मशीन पे ले जाते हैं, उसको शेप देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ शेप आगे देते हैं, शेप आगे की ओर देते हैं। उसके बाद जब ये सारा शेप प्रोसेस कंप्लीट होता है, देन आफ्टर दैट उसके बाद इसमें जो हम जो मटेरियल यूज करते हैं पॉलीप्रोपिलीन के शीट्स होते हैं उसको हम मोल्ड करते हैं, ओवन है जो ओवन में उसको डाल के जिस शेप में हमें उसको लेना हो उसमें, तो वो उसका फिर मटेरियल बन जाता है। उसके बाद उसमें वापस कटिंग वगैरह हो जाती है, उसको जो हमारी जो मशीन्स हैं डिफरेंट मशीन्स यहाँ पे उसके थ्रू चला जाता है वो जो भी डिवाइस हमें बनानी है, तो फाइनली हमें एक फाइनल शेप में वो मिल जाता है। अच्छा, इससे पहले हम देखा करते थे कि यहाँ इस तरह की फैसिलिटीज दस्तियाब नहीं हुआ करती जी, बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ था तो हमें बाहर जाना पड़ता था, बिल्कुल जयपुर का नाम लिया जाता है इस मामले में, है ना? तो ये जो यहाँ पर बनाने का आपने सोचा, ये ख्याल कब आया? ये जो है ये वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी, क्योंकि हम डिसेबिलिटी सेक्टर में हमारा मेन जो फोकल एरिया है वो है डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी सेक्टर में जितने भी साइंसेज आते हैं तो हमने पहले से ही हमारा ये एम एंड मिशन था कि हमें अंडर वन रूफ पूरी सर्विसेज होनी चाहिए, ताकि हमारे पास अगर एक पर्सन आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको इधर उधर ना जाना पड़े। तो उसको अंडर सब कुछ मिले, तो ये एक कंपोनेंट है उसी प्रोसेस का। ठीक है, तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हमें जरूरत होती है रिहेबिलिटेशन में, आपने जितने भी देखे हैं यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट यूनिट्स, तो वो उसी का एक ये है कि हम चाहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि अंडर वन रूफ इसको सब चीजें मिले।
ये एक ओवन है, इसमें क्या होता है? इसके अंदर हम जितना जो पॉलीप्रोपिलीन की शीट्स डालते हैं हाँ। उसको हम टू सर्टेन टेम्परेचर, जैसे आप देख रहे हैं नीचे टेम्परेचर 192 लगा हुआ है, 200 डिग्री, अप टू 200 डिग्रीज तक हम उसको ये मोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम शेप दे सकते हैं। अच्छा। जैसे हम वहाँ से निकाल देंगे, जैसे अभी ये ग्लव्स लगा के उससे निकाल देंगे, फिर हम इसको शेप देंगे। जो चीज़ हमने बनानी है, जिसका हमने मोल्ड लिया है, जो आपने देखा वहाँ पे पीओपी का मोल्ड, उस पर रखेंगे तो उसमें शेप, उस शेप, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल रहता है अभी, उससे पहले आप देखेंगे ये हार्ड शेप में था, अभी जब हम ओवन से निकालेंगे ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगा। तो वो शेप डाल के अभी जैसे इन्होंने निकाल दिया वहाँ से, वो पॉलीप्रोपिलीन होता है, अब उसमें बेल्ट होता है, उसके बाद उसको चढ़ा के इसमें ये शेप आती है जी। अब यहाँ से जॉइंट, इसको जहाँ से काटते हैं उसमें मूवमेंट आती है, जो कि उसमें पेशेंट को आसानी चाली में आसानी हो जाती है जी। इसको चढ़ेगा मोल्ड वहाँ से फिनिश होके आया है, अभी इन्होंने पॉलीप्रोपिलीन शीट डाला मोल्ड करके, इसको ये शेप देंगे। इसके भी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है, ये टेम्परेचर प्रेशर भी मेंटेन करना होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। जो आप एक मखसूस ढांचा देख रहे हैं जो बना हुआ है, जो फिर काम में आ जाता है ऐसे लोगों के जो अल्लाह ताला बचाए जिस्मानी तौर नाखेज होते हैं, इतना आसान नहीं है बनाना। इसे बनाने में 6 घंटे लगते हैं और इस पे एक हफ्ते का काम होता है। ये एक दिन में तैयार नहीं होता है, बल्कि इस पे एक हफ्ते का काम लगता है। हर दिन 6 घंटे काम करना पड़ता है। इसके लिए मोल्ड भी बनाना पड़ता है। यहाँ पर पीओपी के कई सारे बैग्स मौजूद हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ में इसमें जो शेप होती है बॉडी की, बाकायदा पेशेंट्स के उस पार्ट का एक नाप लेना पड़ता है, फिर उस नाप के हिसाब से काम करना पड़ता है, तब जाके ये एक पार्ट जैसा तैयार होता है जो फिर पेशेंट्स के काम में आता है। इस इदारे के हवाले से और भी मालूमात हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे इसके तीसरे शुमारे में। तो आप कश्मीर लाइफ को देखते रहें। कैमरा पर्सन बिलाल बहादुर के साथ मैं इकरा आखून, कश्मीर लाइफ के लिए।